एक भी सिटी का नाम बताओ ना, दिखता बैनर लगाने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े उससे होल्डर से कुछ नहीं होता है, काम चाहिए काम, काम तो कुछ नहीं है, पार्ट कम है। अच्छा, रात में 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, यूपी में कहीं किसी रोड पर भी चले जाओ। नहीं, अखिलेश की सरकार थी तब भी लूटपाट नहीं होती थी, 1900 नंबर चलाई, 108 चलाई, आज सच में उसने बहुत सुविधा दी है, इतनी अच्छी सरकार चलाई। यूपी की सरकार में देख लो, 1 साल हो गया किसानों को बॉर्डर में पड़े पड़े, क्या हो रहा है मेरे भाई, किसान चूतिया है। अरे सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, किसान आदमका क्यों है जेल में, अगर सपा में गुंडे नहीं है तो इस बात का जवाब दो मेरे को। अरे भाई कुलदीप सेंगा हो ना, कौन था बीजेपी का ऐसा बड़ा गुंडा बता दो ना, ये जेल में कुलदीप सेंगर कौन थे, कुलदीप सेंगर कौन थे जिन्होंने रेप करवाया, आप जानते होंगे, बीजेपी के विधायक थे 5 साल पहले, कितने तो अब कितने थे, सरकारी आंकड़े की बात मत करना भाई साहब, सरकार के आंकड़े कोई बात नहीं करना, होगा एड्रेस में किस तरह से कांड। 2022 का विधानसभा चुनाव से पहले जो यूपी में गर्माहट शुरू हो गए हैं, सियासी गर्माहट शुरू हो चुके हैं, एक दूसरे के पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो जनता है, जनता बताएंगे यूपी का असलियत, क्योंकि यूपी की जनता को बहुत अच्छे से पता है कि योगी जी ने कितना अच्छा काम किया है, जो होर्डिंग लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टर लगा रहे हैं, क्या योगी जी सही में अच्छा काम कर रहे हैं, ये सिर्फ ये होर्डिंग और बैनर में रह गए हैं। भैया योगी जी का कार्यकाल 4.5 साल के कार्यकाल सफल रहा या विफल रहा बताओ ना जी, हम पे ना तो बोलना, क्या योगी जी रिपीट होएंगे, एक ही सवाल है, योगी जी रिपीट होएंगे या बदलाव चाहते हैं यूपी की जनता? हम तो सपा के हैं। अच्छा, अखिलेश यादव के? आप भैया कोई से सरकार कोई किसी के लिए कुछ कर रही है, नाराज हो गई है, क्या कर रही है कोई, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या सरकार कुछ नहीं कर रहे तो बदलाव चाहते है क्या? बदलाव कुछ नहीं चाहते ना, तो हमें सरकार से किसी किसान को कुछ मिल रहा है, तेल कहाँ पहुँच गया है, पेट्रोल 100 पे पहुँच गया है, डीजल कहाँ पहुँच गया है, 90 पे पहुँच गया है, ना सपा कुछ किसी को दे रही, ना किसान तो जैसा आम आदमी में वैसे बिता रहा है, जो दिल्ली में भीख मांग रहे हो, जब भी भीख मांगेंगे सरकार चाहे बीजेपी की आ जाओ, या बहुजन की आ जाओ, या सपा की आ जाओ, या कांग्रेस की आ जाओ, किसी की भी आ जाओ, सरकारी जो सुविधा होता है उसमें से तो फर्क मिलता होगा ना भैया, बिजली का बिल हो, पानी का बिल होता है, या जैसे जिस रास्ते पे हम लोग चलते हैं उसमें सरकारी सुविधा होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं, स्कूल्स होता है, उसके लिए सरकारी तो बनाना ही पड़ेगा ना किसी ना किसी को, नहीं वो तो बनाना पड़ेगा, मगर बनाने से क्या फायदा है, चाहे आप किसी को भी बनाए लेकिन बनाना तो पड़ेगा, ये तो है बनाना तो पड़ेगा, मतलब बनाना तो योगी जी, योगी जी का कार्यकाल सफल रहा है? अरे अपनी माँ बहन को अगर तमीज से सड़क पर चलाना है तो योगी को बनाना, नहीं तो बाकी मरना ही है। अच्छा। बाकी वैसे कुछ आम आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, सीधी तरीके से कहने हैं तो बीजेपी का ही चाहते हैं जी, सीधी तरीके से अगर हम समझ जाए तो बीजेपी का सरकार चाहते जी। आप भैया? हम तो कुछ भी चाहते हैं, जो हमें अच्छा लगेगा हम तो उसको वोट देंगे। तो अभी अभी 4.5 साल के कार्यकाल तो रहा है ना योगी जी का, अभी भी है जी जी। लेकिन रिपीट चाहेंगे या बदलाव चाहेंगे? हम तो बदलाव चाहेंगे, 100% बदलाव चाहेंगे, बदलाव चाहेंगे, किसको चाहेंगे? या तो अखिलेश या फिर राहुल, अखिलेश नहीं तो राहुल, राहुल अच्छा दोनों में से जी, राहुल के तो आने वाले नहीं, एक का बता दो ना, राहुल के आने वाले, एक का कोई आने वाली नहीं, इनके हाथ में, वो तो जनता के हाथ में है, जनता तो सब मिलके जनता होते जी, है ना, तो जनता का हर किसी का दिल दुखा हुआ है योगी सरकार से, तो अच्छा। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मेरा तो बिल्कुल 100% दुखा हुआ है। अच्छा, आपका 100% जी, मैं तो चाहता हूँ समाजवादी पार्टी बनी, एक वोट से कोई वो बना, अब एक वोट से तो नहीं बनते, लेकिन 2029 तक बीजेपी की सरकार कहीं नहीं जाने वाली, 2029 तक ठोक है पूरी केंद्र की। अच्छा, केंद्र की नहीं, जी लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा की भी सुन लो, दोबारा से बनना है योगी, योगी 100% बनना है जी। आपका भैया क्या इरादा है? मुझे पता नहीं, राहुल गांधी का छोड़ दो बहुत दूर तक, मुझे पता नहीं, तब भी आपको आप रहते तो हो ना भैया, सरकारी सुविधा तो लेना ही है ना भैया, बस हम खाते हैं कमाते हैं बस, इससे कुछ फिक्स नहीं है। आप लोगों का जो पसंद है योगी, योगी योगी जी को चाहेंगे आप भैया? केंद्र में रहेंगे मोदी, और राज्य सरकार का कुछ नहीं कह सकते, राज्य सरकार अभी तो विधानसभा इलेक्शन होंगे ना 2022 में, तो हम उसी के लिए चाहते हैं, वो तो 24 की बात नहीं कह रहे, कहाँ राज्य सरकार,
हमारे हिसाब से अखिलेश आएंगे। अखिलेश आएंगे आपका होगी तो गठबंधन सरकार आएगी, क्योंकि ना कोई भी अभी बता नहीं सकते कि कौन सी सरकार आएगी। अच्छा। क्योंकि योगी सरकार के कुछ कार्य हैं, रोडवेज में जो सुविधा दे रही नहीं है बिल्कुल भी, रोडवेज में वर्कशॉप में काम सामान ही नहीं आ रहा है, वर्कशॉप के कर्मचारी भगे पड़े हैं और ड्राइवर को सामान ही नहीं मिलता है, अपनी जेब से लगा लगा पैसे लगा रहे हैं। बदलाव चाहते हैं क्या? हाँ बदलाव होना चाहिए सरकार में, बिल्कुल आना चाहिए। एक पूरा बदलाव चाहते हैं? पूरा बदलाव क्यों, इतना पूरा बदलाव क्यों चाहते हैं? इतने परेशान कर रखे बताओ तुम, इतनी महंगाई भी पड़ी है बताओ, महंगाई है और क्या, अखिलेश यादव आना चाहिए। महंगाई महंगाई आ रही है तो बीजेपी का जो नेता वो तो कह रहे हैं कि सुख दुख तो लगा रहता है, महंगाई झेल लीजिए। एक बात बताओ, लॉकडाउन लगाया तो कम से कम महंगाई पे तो थोड़ी मतलब डाउन करनी चाहिए, पूरी आसमान में पहुंचा दी, सरसों का तेल ले लो, डीजल ले लो। मैडम रोजगार शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बताओ कौन सा कॉलेज खोला है, आईटीआई खोला है, विश्वविद्यालय खोला है या इंटर कॉलेज खोला है, बताओ पढ़ाई के लिए, पढ़ा पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ गाय को लियो करते हैं, नाम ही ले रहे हैं, राजनीति है सिर्फ गाय की, सड़कों पर चले जाओ बरेली से आगे चले जाओ, गाय कितनी बस के आगे एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं, इतनी होती है बहुत ज़्यादा, इन गायों भाइयों से बहुत ज़्यादा दुर्घटना होती है, इन्हें कम से कम जब बना मतलब छोड़ने मतलब बचाया गया तो कम से कम मतलब खुलनी चाहिए उस बचाने के लिए तो और क्या, बहुत परेशान है मैडम जी, वो सड़कों में घूम रही है, किसानों को नुकसान कर रही है, जाके एक एक बीके दो दो बीके एक साथ खा जाती है गाय भैंस, ये गाय वो सांडो जो होते हैं घूमते रहते हैं जंगलों में, जाके जंगलों में देखो ना किसानों के हाल चाल पूछो, जब किसान क्या कैसे कैसे मर रहा है, अभी छह सात में कम से साल भर से ऊपर हो गया वो बॉर्डर पे बने किसान, उनकी भी कोई नहीं सुन रहा है, कम से कम सही तो कम काम करो, बिल्कुल जी बदलाव, पूरा बदलाव अगले से ज्यादा आएगा। इतना भ्रष्टाचार फैला के रखे हैं कि कोई अगर 2 रुपए का काम हो रहा है तो 1000 में हो रहा है, अगर किसी गरीब को कहीं जाना है तो अगर 100 रुपए का वो है किराया तो आज हो रही है 50-200 रुपए किराया हो रहा है, और डीजल के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, ऐसे लगा रहे हैं जैसे पेट्रोल और सब महंगा है। अरे भाई डीजल छोड़ो, खाने के तेल, भूखे मर रहे हैं आदमी, खाने के तेल से लेकर जहर तक हर चीज पर महंगाई बढ़ रही है, तो बेरोजगारी से मर जाएंगे खाने के बाद, बहुत रोजगार दिया है, बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रहा है, कहने के लिए है सब, कहाँ रोजगार है, फेसबुक स्मार्ट उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी, लेकिन एक एक एक, एक कोई भी हो मैंने कौशाम्बी स्मार्ट सिटी है, आपने देख लिया यहाँ के स्टैंड की क्या हालत है, एक भी सिटी का नाम बताओ ना, हालत दिखता है, बैनर लगाने से कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े उससे होल्डर से कुछ नहीं होता है, काम चाहिए काम, काम तो कुछ नहीं है, लगाने से क्या हो गया, काम नहीं हो रहा, अभी इन लोगों को ना दिख रहा होगा, हमको तो दिख रहा है कुछ काम नहीं है, क्या काम है, शिक्षा सारी शिक्षा बेकार कर दी बच्चों, इनकी गवर्नमेंट में रोजगार का एक सिंगल काम नहीं हुआ है, कोई एक काम करते हैं जिसके लिए युवा या बड़े बूढ़े कोई भी संतुष्ट होता है, कोई भी संतुष्ट नहीं है, नहीं मिल रहा है, मैं खुद बीटेक करा हुआ बंदा हूँ और यहाँ भटक रहा हूँ। अच्छा बेरोजगारी क्या, जिस तरीके से कह रहे हैं कि रोजगार बहुत मिल रहा है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, अरे रोजगार होते तो मिलते ना, ये अपने पहले राजनेताओं को बिठा ले, इतने उनके नेताओं के लिए आरक्षित कर रहे हैं सीट और पढ़े लिखे भाग रहे हैं। महंगाई का मार कितना पड़ रहा है गरीबों के ऊपर? अरे महंगाई का कुछ लोगों में फांसी लगा के मरेंगे लोग, महंगाई का इतना मार पड़ रहा है, खाने के लिए तेल नहीं, आटा नहीं, कहा देकर देगी सरकार, कहने के लिए दे रही बस हो गया और बाकी नहीं दे रही है। अरे मैडम एक और बात कहना, पिछले लॉकडाउन में कंडक्टर ड्राइवर ने भूखे रह रहे नौकरी करी थी, लेकिन क्या करा उनकी कटौती कर दी और तंखा भी नहीं मिलती सही से, क्या करा उनके लिए कटौती कर दी, पूरी कटौती, भूखे भी मरे हैं लॉकडाउन में, भूख से भी मरे हैं मरने वाले तो, और हमने ये हालत देखा यहाँ से लेकर दिल्ली से लेकर गोरखपुर तक पैदल आदमी गया ना मरने की, पता क्या सरकार ने सुविधा दी एक बताओ, वो कोई सुविधा नहीं दी गवर्नमेंट ने, योगी जी खा सकते हैं लेकिन एक मनरेगा में काम करने वाला बंदा, दूसरी बात है ना, पहली बात है केजरीवाल जी ने भी खाते में लोगों के पैसे डलवाए थे, हमारी जनता को ड्रामे करने की आदत पड़ी हुई है कुछ तो, नहीं हम यूपी की बात कह रहे हैं, तो यूपी में भी हमारे घर में राशन भिजवाया, सबके घर में राशन भी मिला था, पैसे भी आए थे खातों में। अच्छा आप कह रहे हैं आपको सुविधा मिला तो आप बीजेपी का चाहते हैं, अखिलेश का चाहते हैं, आप किसका चाहते हैं? अरे हम तो केजरीवाल का चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का चाहते हैं, दिल्ली यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, केजरीवाल पूरे देश में होना चाहिए, केजरीवाल चुनाव तो यूपी से लड़ेंगे, केजरीवाल यूपी में क्या बदलाव चाहते हैं? बदलाव बदलाव चाहेंगे, योगी जी को देख लो, अब चुनाव आ गए तो उनने जनसंख्या वाला लगा के जिक्र है, केजरीवाल को जेल लगा हमारे अंदर नहीं है भाई, हम नहीं जेल सकते केजरीवाल को, यूपी में केजरीवाल आएगा नहीं, क्योंकि गांव देहात के सबसे ज्यादा वोट होते हैं, शहर की वोटों से कोई मान्यता ही नहीं है,
जब तक गांव देहात की वोट नहीं मिलेंगे तब कोई सरकार बनी नहीं। युवाओं को भरोसा है और अखिलेश ही आएंगे रोजगार के लिए। अपने उत्तर प्रदेश में देख लो कितने क्राइम हो रहे हैं, आए दिन रेप हो रहे हैं। 300 यूनिट फ्री मिल रही है भैया बिजली, उत्तर प्रदेश में ही आए दिन रेप हो रहे हैं, कहां योगी जी उस पर ध्यान दे रहे हैं। सुनो, एंड ये नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आपने वो देखे थे आंकड़े 5 साल पहले कितने थे और अब कितने थे? सरकारी आंकड़े की बात मत करना भाई साहब, सरकारी के आंकड़े की बात मत करना। सरकारी आंकड़े का होगा हाथरस में किस तरह से कांड हुआ, आप कह रहे कि ऐसे कांड भैया जिस तरीके से अभी पंचायत चुनाव के दौरान आपने देखा होगा शिरहरण किया गया एक महिला के, है ना, खुलेआम, उसमें क्या कहेंगे आप? क्या चीज मैम? शिरहरण किया गया है एक महिला को खुलेआम, तो मैम उनका सजा भी मिलेगी फिर अगर करा है? मिले ना, हम वही कह रहे कि ऐसा होना चाहिए क्या भाई? मैम एक बार बताइए, अब हर जगह योगी जी कोई वोट बाबा है लेकिन उन्हें वोट तो नहीं आ जाती ना, कि ऐसा होना चाहिए? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, महिलाओं के साथ आपके भी बहन होंगे। मेरी बहन सुरक्षित पहले नहीं घूम सकती थी, अब घूम रही है। बाबा के नाम पे राजनीति चल रही है, भगवान के नाम पे राजनीति चल रही है, बाबा जी आबा जी कुछ नहीं है। अरे मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में तुम लोग यार बात कर रहे हो क्या बात कर? उसने अगर कोई, सुनो, उसने अगर कोई स्पेशल मुद्दा उस पर ज्यादा काम कर रहा तो आप ये बोल दो भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल कहाँ रहता था? केजरीवाल की आप शिक्षा देखे, केजरीवाल क्या था? IAS की परीक्षा? योगी जी की शिक्षा सुनी है आपने कितनी है? केजरीवाल किसकी वजह से जान गया? सभी तो योगी जी को और कुछ नहीं जाना गया, किसकी वजह से जाना गया? केजरीवाल की वजह से किस मूर्ख को बनवा दिया? अच्छा मेरी बात सुनो भैया, आप देखो संविधानिक पाठ में जो भी बैठे हैं उनको मूर्ख नहीं बोलना, ठीक है? क्योंकि संविधानिक पाठ में बैठा हुआ है ना वो, चाहे केजरीवाल से योगी जी, हम गलत नहीं बोल रहे। वो इनकी तरह ना दिल्ली की जनता है ना, पढ़ी लिखी जनता है, वो केजरीवाल और वो नहीं देखती है, वो उसके काम देखते है और इसलिए बना हुआ है वो। ये मतलब वो कहाँ है, ये मतलब वो कहाँ है, उसका काम देखो ना, जब 2-3 साल चाह रहा है ना वो। सुनो, NH24 पे मैं डेली का मेरा अप डाउन है मैम, आज से 3-4 साल पहले मुझे आने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे अपने घर से यहाँ पे, आज मैं आधे घंटे के अंदर यहाँ आ जाता हूँ। मैडम जी कोई सी लेन का हो गया? मैडम जी आधे घंटे में कोई ना आती है, कौन सी बुलेट ट्रेन चली है यहाँ पे जो आधे घंटे में डेली आ रहे हैं? भैया मैं डेली आ रहा हूँ, दुनिया से कहाँ से कहाँ पहुँच गई बुलेट ट्रेन, भारत में आ गई तो जो शिक्षित होगा वही मुख्यमंत्री 15 मिनट में आ सकता है तो आधे घंटे में। योगी सरकार में आतंक कम है, गुंडागर्दी कम है सिर्फ, और इससे बहुत सुकून है, लूटपाट कम है। अच्छा, रात में 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चला यूपी में कहीं किसी रोड पे भी चले जाओ। नहीं, अखिलेश की सरकार थी तब भी लूटपाट नहीं होती थी, उन्होंने सोने में चलाई 108 चलाई आज सच में, उसने बहुत सुविधा दी है, इतनी अच्छी सरकार चलाई जितनी सही। अखिलेश की सरकार में घर हर घर में नेता था, बीजेपी की दिखा दो सरकार में कौन सा हर घर में नेता है। भाई साहब कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म, आए दिन रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अंसारी जेल में है, मुख्तियार अंसारी जेल में है, गलत करेगा तो अमित शाह को जेल में होना चाहिए, अमित शाह जी को जेल में होना चाहिए, वो बहुत बड़े गुंडे हैं। जब उन्हें 2 साल के लिए गुजरात से बैन किया गया था, इससे प्रूफ मिलता है कि वो गुंडे हैं। गुंडे ही तो राजनीति में जाते हैं, पढ़े तो गुंडे से लोग। एक बात बताइए, जनता ही तो वोट दे के उनको उसमें बिठाते ना, फिर जनता ही आरोप लगाते हैं, बताइए। अरे जनता है कौन खड़े, आप खड़े वोट लेने के बाद करते हैं ना कांड तो ये लोग। अच्छा सही पहले तो नहीं करते, सही आदमी को आप वो टिकट दिलवाएंगी, जब गंदे आदमियों को ही टिकट मिलेगी तो जनता जेल के अंदर क्यों है? आजम खान सपा का बहुत बड़ा नेता है, जेल के अंदर क्यों है, इस बात का जवाब दो। वीडियो मत दिखाना, मुख्तार अंसारी क्यों है जेल में अगर गुंडे नहीं है? तो सपा में गुंडे नहीं है तो मुख्तार अंसारी कौन था ये बताओ? आजम खान क्यों है जेल में अगर सपा में गुंडे नहीं है तो, इस बात का जवाब दो मेरे को। कुलदीप सेंगर ना कौन था बीजेपी का ऐसा बड़ा गुंडा बता दो ना, ये जेल में कुलदीप सेंगर कौन थे जिन्होंने रेप करवाया? आप जानते होंगे बीजेपी के विधायक थे कुलदीप सेंगर जी, रेप हुआ फिर भी अभी उन्हें ब्लॉक प्रमुख लड़ाया गया, टिकट दी गई, तो क्या ये गुंडे ही नहीं है क्या? एक रेपिस्ट को आप एक बार बताए तो जनता ही तो है वोट देने वाले, कौन है जनता? जनता उसका विरोध, जनता के दल पे कुछ नहीं हो रहा। आपने देखा अभी चुनाव कैसे हुए, SP को चांटा लगा, एक महिला का चीरड़ हुआ, सरेआम हुआ, किसी को पर्चा नहीं भरने दिया, किसी का नामांकन नहीं होने दिया, किसी को किडनैप कर लिया गया, किसी का अपहरण कर लिया गया, पूरी न्यूज़ सारे लोग गवाह है, आपने भी देखा हुआ, जनता
आपने भी देखा है कैसे चुनाव हुए हैं, अमेठी के बारे में मालूम है, हाथरस कांड देखा होगा, राजीव कांड देखा था, बदायूं कांड, बदायूं कांड कुछ नहीं हो सकता। अरे सुन तो लो यार, बदायूं कांड बताना भाई, बदायूं कांड। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने आपस में वो नहीं करना, अब फाइनली आप बता दो कि किस किस को चाहते, आप अखिलेश को चाहते, आप बीजेपी को चाहते है ना? आप भैया एक चीज, दुकान होती है मार्केट में, दुकान है, कपड़े बिक रहे हैं, वो कहता है वही कपड़ा बिक रहा है उसकी दुकान पर, वही कपड़ा बिक रहा है उसकी दुकान पे, कहते हैं अरे उसका तो बेकार है। तो यार योगी योगी, किसी की भी सरकार आए, जनता को उसका सही अधिकार चाहिए, ठीक है? अब बीजेपी की सरकार में देख लो, एक साल हो गया किसानों को बॉर्डर में पड़े पड़े, क्या हो रहा मेरे भाई? किसान चूतिया है। अपने घर में सुनो मेरी बात, किसानों के जो वो जो आ रहे हैं, ये कह रहे हैं किसानों में अधिकतर तो गैंगस्टर आ रहे हैं, आपने देखा यूट्यूब पे, देखो गैंगस्टर कितने आ रहे हैं पंजाब के, सारे गैंगस्टर हैं भैया। देखो किसान बॉर्डर पे होगा तो खाना नहीं खा रहा होता मेरे भाई। अगर किसान बॉर्डर पे पड़ा होता, जो बॉर्डर में है वो कौन है फिर? किसान के रेस में नेता लोग हैं, आप कैसे बता सकते हैं वापस? मैम राकेश टिकैत कहने को तो गरीब किसान बता रहे हैं, वो 150 बीघा जमीन है, बीघा जमींदार आदमी है, करोड़ का मालिक है, वो आदमी है जो जमीन है उसके नाम है। किसान क्या अमीर नहीं होना चाहिए? किसान क्या अमीर नहीं होना चाहिए? मैम अमीर होना चाहिए उसकी बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन वो तो उसके अकाउंट में तो ब्लैक मनी आया, अभी बीच में खुलासा हुआ था कि उसकी ट्रांजैक्शन बढ़ी है, तकरीबन 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन है। एक मिनट रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। हरियाणा के अंदर जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, उससे पहले हरियाणा के अंदर 1200 करोड़ की ट्रांजैक्शन बढ़ी है। आपने ये बताया, एक बार बताइए कैसे आएगा पूरा होम मिनिस्ट्री? मैम एक मिनट, कहाँ से पैसा, कहीं से अपोजिशन ने फंड कर रहा है? हम गांव के रहने वाले हैं, जैसा प्रचार भी गांव के, गांव में इतना सुकून है, चाहे भैंस चाहे बंदरी है, वहाँ बंद रही है। पहले भैंस चोर कितने होते थे, और खोल ले जाते पकड़ के, हाथों में से खोल के ले जाते थे। सब में ज्यादा परेशान जो है ना इस टाइम गरीब लोग परेशान है बस, बाकी सब पैसे वाले मजे ले रहा है। मेरे पापा किसान है, मेरे चाचा किसान है, गाँव में खेती कर रहे हैं, बॉर्डर पे नहीं पड़े वो गरीब में ना कुछ भी। भैया गरीब को मार लो, पीट लो, छीट लो, वो बेचारा पर चले जाएगा। पैसे वाले को हाथ लगा दो ना, तो समोला बंद हो जाए। मैं हर तो कह बीजेपी के आदमी है, हर कोई तो बीजेपी को बदनाम करना चाहे। फाइनली आप किसको चाहेंगे सर? माननीय अखिलेश जी के लिए। अखिलेश को चाहेंगे होगी जो भी हो, बात शिक्षा की होगी। आप सर किसको चाहेंगे? हाथी वाले मायावती को चाहते, मायावती को चाहते। हाँ जी बबलू नाम मेरा है, हम गरीब आदमी हैं, हमें कोई मिल तो रहा ना कुछ मिल रहा है ना, मोदी दे रहे हैं, योगी जी नहीं दे रहे कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्यों? मुफ्त राशन दे रहा है, कह रहे रोजगार दे रहे हैं, कुछ नहीं भी दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। मेरी बात तो कुछ नहीं दे रहे हैं, अब ये गरीब है, जब काम करना तो कैसे देंगे? अब तो गरीब लोग हैं, पैसे दे नहीं रहे और ले और रहे हैं। मास्क का चालान काट दिया 2000 का, गरीब से छीन लिए जो उसका चालान काट दिया, पैसे वाले तो गाड़ियां बैठ गए यार, आराम से हुटा मारते हुआ जय करके मास्क का। अभी गरीब आदमी इधर खड़ा हो गया गलती से तो तुरंत चालान काट देंगे। चालान तो चाइना में कितने आदमी मरे? अरे चाइना सही हो गया भाई साहब, देख लो सही तो हो गया चाइना। अच्छा चाइना में करोना। अच्छा आप बता दो भैया किसका सरकार चाहेंगे? अच्छा भैया हम आप लोगों से एक मिनट सरकार किसका चाहेंगे यूपी में? योगी का। आप भैया सरकार किसका चाहेंगे यूपी में? नहीं सरकार के साथ नहीं। अच्छा आप किसका चाहेंगे? अच्छा भैया बाद में करना, ये बता दो सरकार किसका चाहेंगे यूपी में? बीजेपी का। आप यूपी में कोई भी आ जाओ, केंद्र में तो अपना मोदी जी है। केंद्र की बात नहीं कह रहे, यूपी की बता। यूपी की तो बीजेपी रहनी चाहिए, बीजेपी रहना चाहिए। आपने बता दिया शायद, आपका भैया? अरे हमें जब भी कमाना है, जब भी कमाना कोई भी आओ, कमाना तो सबको है, लेकिन सरकारी सुविधा तो सबको चाहिए ना भैया? ना पता किसकी कोई नहीं दे पाएगा, सब चोर हैं। रास्ते में चलते हैं ना, रोड अच्छा चाहिए, कोई बीमार होगा एक मिनट हॉस्पिटल जाना है नहीं जाना। 100% संतुष्ट कोई ना कर पाएगा, 100%। देखो क्राइम कम है और गुंडागर्दी अगर कम है और तो बेरोजगारी फैली हुई है, महंगाई फैली हुई है, ठीक है जी।
इसको देखते हुए तो अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश जब आ जाएंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, जातिवाद बढ़ जाएगा फिर क्राइम बढ़ जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा तो फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो फिर तो मतलब कि अपनी अपनी जगह कहीं हद तक वो सही है तो कहीं हद तक गलत भी है। अभी उनके सुधारने का मौका, सुधर गए तो ठीक है, 60% आने की उम्मीद है, नहीं तो 40% में गठबंधन अगर आ गया ना तो फिर सब गया। मैडम ये बताओ, एक बात बताओ, मिस्टर परफेक्ट कोई हुआ है? कोई भी नहीं, परफेक्ट कोई नहीं, लेकिन सरकार जो वादा करता है उसको पूरा तो करना चाहिए ना सरकार। तो 5 साल में सरकार है, सबसे बड़ी टाइम चल रहा है, सबसे बड़ी आबादी है यूपी की, कहाँ कहाँ तक आदमी गाँव के, हमें भी नहीं पता होगा, हमें तुम्हें भी नहीं पता होगा। जब नेता होता है, जो नेता है, नेता हर गली हर मोहल्ले हर हर घर में जब पहुँचते हैं, वोट लेने से पहले उनको हर मोहल्ले का पता होता है, वोट लेने से पहले उनको हर गली पता होता है, और उनको ये भी पता है कौन सी चौराहे पे कितना घर है, उनको सब कुछ पता होता है, और वादा भी बहुत करते हैं, कुछ देने का वादा करते हैं, रोजगार देने का वादा करते हैं, हॉस्पिटल का वादा करते हैं, शिक्षा की वादा करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं उसके बाद वादा कहाँ चले जाते हैं ये पता नहीं चलता। जनता परेशान है, महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़े हुए है, लेकिन उसके बाद भी जनता का मूड क्या कहते हैं ये तो देखना है, क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव आने से पहले जनता अपने मूड बता रहे हैं, उनका मूड क्या कहते हैं ये वक्त ही बताएंगे, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन में जनता अपने अदालत में अपना फैसला सुनाएंगे। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए।